साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। मैं जहां जाती हूँ लोग बेटा जी ऐसे कुछ कहते हैं जैसे मुझे वो कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। औरों का तो नहीं कह सकता मगर मेरे ताजुब का मतलब आप यही लगा लीजिए। रूबी कैसी? रूबी अच्छी है, खूबसूरत है, जवान है, अच्छे खानदान की है, पढ़ी लिखी है, घर का सारा काम जानती है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो एकनाथ? भाई मैं तो उसकी बड़ी बहन हूं, मैं तो तारीफ ही करूंगी, लेकिन मेरे राय ये है कि अगर तुम्हें सही सही पता करना है तो पड़ोसी ऐसे मामलों में ठीक रहते। लेकिन अगर सिर्फ तबीयत का पता करना हो तो मेरे ख्याल से बड़ी बहन से पता चल सकती ना। ओ तुम तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगा जी आप कमाल है भाई। मानती हूं कि मैं रूबी की बड़ी बहन हूं, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हूं कि तुम मुझे मेधा जी कहो। वैसे ऐसा क्यों होता है एकनाथ, जब कोई किसी की छोटी बहन से जी लगाता है तो बड़ी बहन के नाम के साथ भी जी लगने लगता है? देखिए मेधा जी, अगर आपने मेरी टांग खींचना बंद नहीं किया तो मुझे यहां से भागना पड़ सकता है। रियली? किसके साथ? रूबी के साथ? ओके मजाक खत्म। मेरी यहां आने की दो वजह थी, एक तो ये गिफ्ट तुम्हें देना था। देखिए ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मुझे रूबी की देखभाल करने की कीमत दे रही हैं। एकनाथ मैं एक मामूली वकील हूं, बड़े बड़े एहसानों की कीमत चुकाना मेरी हैसियत के बाहर की बात है, और फिर ये जरूरी नहीं कि एहसान उतारने के लिए ही गिफ्ट दिया जाए। जिसे आप करीब समझते हैं उसे भी तो गिफ्ट दे सकते हैं ना। ठीक है मैं लेता हूं, एक एडवोकेट से बहस करके मरना है क्या? पता चला गिफ्ट न लेने पर सजा होगी। सजा तो तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी। रहम वकील साहिबा रहम। मैं एक मामूली वकील हूं, मैं तुम्हें माफ करने का कोई अधिकार नहीं रखती, इसके लिए तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट? हाँ भाई, रूबी कहेगी कि माफ कर दो तो माफ कर दिया जाएगा, और तुम्हारी सजा यह है कि कल हम जो पार्टी दे रहे हैं वहां तुम्हें आना पड़ेगा। पार्टी? मेरे लौटने की खुशी और रूबी के ठीक होने की खुशी में 2-in-1 पार्टी, कल सी साइड कॉफी शॉप में 8 बजे। रूबी ने तुम्हें बुलाया है और ये मेरे यहां आने की दूसरी वजह है। ठीक है मैं जरूर आऊंगा। गुड बाय।